हेलो दोस्तों, मेरे सब ठीक होंगे भाई। जिस काम के लिए गांव आए थे वो हो गया है। जिस काम के लिए आए थे, ये देखो, आए थे तब ये एनालॉग मीटर था, अब ये डिजिटल बन गया है। यानी कि हमने पल्सर को छोड़ दिया है गांव, और यहाँ से ले चले हैं अपनी ये डिजिटल वाली बाइक अपाची, वापस चल पड़े दिल्ली। अभी नई बाइक है तो कोशिश ये रहेगी 45-50 से ज़्यादा ना भगाएं। हम चले थे 7:30 बजे, अभी 7:40 हो रहे हैं, और किलोमीटर थे 590। ये पहुंच रहे कनीना, गुलाहा रोड पे, कनीना की सड़कों पर। कनीना के बाद आ गया दहीना, फोटो वही कई जगह जहाँ सिटी आती है वहाँ तो रोड की हालत अच्छा है, बाकी जगह रोड अच्छा है। गुड़गांव दिखा रहा है 78 किलोमीटर, गुड़गांव के बाद अपना सिद्धवासन। हम तो घर से नाश्ता करके निकले थे, बाइक की भी लाइट जल गई है, कह रहे भाई हमें भी नाश्ता कराओ। ठीक है, आगे जो पेट्रोल पंप आता है उसका भी ब्रेकफास्ट कराने का इंतजाम करते हैं। 612 था तब ये इंडिकेशन आया था, 615, 3 किलोमीटर आ गया, पेट्रोल पंप तो कोई आया नहीं है। देखते हैं कब आता है पेट्रोल पंप। भाई ये है गांव बुड़ोली को रास्ता जाता है, इधर राइट साइड में रास्ता जा रहा है, ये बुड़ोली। सुल्तान मूवी में देखा होगा आपने, सलमान खान का गांव दिखाया जाता है, जिला रेवाड़ी, गांव बुड़ोली, तो यही बुड़ोली गांव के नाम पे लिया गया है। शूटिंग भले ही इस गांव में हुई हो या ना हुई हो, लेकिन गांव यही है। 7 किलोमीटर आ गए हैं जब से लाइट ब्लिंक कर रही है, पेट्रोल पंप नहीं आया अभी। देखते हैं भाई कितनी देर में पेट्रोल पंप आता है और ये कब तक लाइट ब्लिंक करेगी। कहीं आ गया भाई, दिख गया पेट्रोल पंप, दिख गया। इतना तो श्योर हो गया है कि 7 किलोमीटर तो चली जाती है इंडिकेशन आने के बाद, पेट्रोल डलवाते हैं। चलिए भाई, पेट्रोल डलवा लिया है, 500 का डलवाया है, 500 का पेट्रोल डलवाया है तो 5 डंडी आई है। रेवाड़ी 10 किलोमीटर अभी यहाँ से, भाई ये डिसाइड हुआ है रेवाड़ी शहर क्रॉस करने के बाद कोई बढ़िया सी खाली जगह आएगी, वहाँ 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, क्योंकि बाइक पे सामान है, पीछे एक छोटी सी सवारी है, तो हम ऐसे ही एडजस्ट होके बैठे हुए हैं। तो बस के नीचे लिखा पंजाबन, ये हरियाणा से पंजाबन क्या कर रही है। रेवाड़ी पहुंच रहे हैं, फाटक बंद है, पंजाबन फिर दिख रही है भाई, आगे निकल गए इस बार तो हम पंजाबन से। रेवाड़ी के जाम में फंस गए हैं, तो गर्मी खूब हो गई है, धूप तगड़ी है, फंसे इस जाम में।
रेवाड़ी सिटी से तो बाहर निकल गए और थोड़ी सी खाली जगह देखते हैं अच्छी सी, तो वहाँ रुकेंगे 10-15 मिनट, पैर दुखने लग गए हैं। रास्ते में एक जगह रुके हैं आराम करने के लिए, ये खड़ी अपनी अपाची, बैठे बैठे पैर दुख गए हैं। पीछे ये सवारी है हमारे साथ, ये सामान है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बैठने के लिए जगह कम हो रही है। ये जो सामने रास्ता आ रहा है, ये बाइक आ रही है रेवाड़ी की तरफ से है, और ये एक और ये जो रोड है ये जयपुर से आता है, जो ट्रक आ रहा है, ये दोनों यहाँ के मिल जाते हैं, फिर ये दारुवेड़ा गुड़गांव होते हुए दिल्ली, और ये खड़ी अपनी अपाचे, सारी टेस्टिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है भाई, बहुत देर रेस्ट हो गया, मास्टर भी रेडी है, ला देते हैं अपना सामान। ओहो, ठीक है भाई, सेटल हो गए हैं, निकलते हैं अब फिर यहाँ से। गर्मी हो गई है तगड़ी, ठीक है मुकुल, ठीक है भाई। मेरे तो अभी से फिर से पैर दर्द करने लग गए, एक काम तो बढ़िया हो गया, बादल हो गए, छाया हो गई, थोड़ा ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाएगा सफर अपना, धूप बहुत तेज हो गई थी, बारिश आने लग गई, देखते ज़्यादा तेज होगी तो कहीं साइड में रुक जाएंगे, ना हमारा सामान भीग जाएगा, हल्की फुल्की रही तो सकते रहेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, बस गया था भाई ट्रक, पैर सुन हो गया तेरा, रोको साइड में भाई, लड़का परेशान है, बैग भी टांग रखा है, बीच में सामान भी रखा हुआ है, इतनी जगह है नहीं इसमें अपाची में। सही हरा भरा इलाका है, अभी तो गुड़गांव भी 16 किलोमीटर है, लगेगा अभी टाइम। तो मानेसर आ गया, भाई रास्ता क्लियर कर दो, VIP जा रहा है कोई, अरे भरे गांव छोड़ के आ गए भाई, बिल्डिंगों के जंगल में, तो भाई हम कर रहे हैं टोल करो, सब साइड से निकल जाएंगे। देखा बिना हेलमेट वाले को रोक लिया, हाँ अपने पीछे था, मुझे लगा मुझे हमें रोक रहा है, मैंने शीशे में देखा पीछे, एक ने हेलमेट पहन रखा था, एक ने नहीं पहन रखा था, उसको रोक लिया। पूरे सफ़र में एक बात तो समझ में आई इसमें, पीछे वाला ब्रेक तो ठीक है, आगे वाला कुछ खास नहीं है ब्रेक, आगे वाला ब्रेक लगाने काफ़ी टाइम लगवाता है रुकने में, पीछे वाला ब्रेक सही है। गुड़गांव भी क्रॉस कर रहे हैं,
पहुंच गए हम अपने वापस दिल्ली। तो ये अपनी बाइक है, गंदी हो गई है आते आते, रास्ते में कीचड़ वगैरह था, इसकी सफाई करेंगे, लेकिन पहले रेस्ट करेंगे। और वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर देखते रहें तब तक के लिए। नमस्कार भारत।